सब टाइप हैं तो क्या होगा, बहुत टाइप के एयर कंप्रेसर आपके मिलने लगेंगे। एक एक करके डिस्क्राइब करना सभी कंप्रेसर का बहुत ही लेंदी हो जाएगा और बहुत उसमें टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो इम्पोर्टेंट आपके हैं, ठीक है, दो तीन हैं, मैं उसी को डिस्क्राइब कर दूंगा। और जनरली जो एयर कंप्रेसर हैं इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन की एक अच्छे से लिस्ट बना दूंगा कि कौन कौन से एयर कंप्रेसर हैं, वो किस पर्पस के लिए और कहाँ यूज किए जाते हैं उसके एप्लीकेशन से, ठीक है। तो वो मैं लिस्ट तैयार कर दूंगा। वो एक ही साथ जो क्वेश्चन आते हैं वो अब जनरली एप्लीकेशन से ही होते हैं, एक साथ मैं एक चार्ट प्रिपेयर करके उसको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो जनरली हम कौन कौन से कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कितने प्रकार के कंप्रेसर मैं बताऊँगा आपको, जो दो या तीन ही बताएंगे आपको, ज़्यादा नहीं बताएंगे, बाकी सब एप्लीकेशन से ही आते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म जानकारी ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा नहीं, जनरली एप्लीकेशन से ही सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, कंप्रेसर, ठीक है। तो मैं इसमें कितने प्रकार के बताऊंगा कंप्रेसर, एक तो बताऊंगा, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड रोटेटरी स्क्रू, रोटेटरी स्क्रू कंप्रेसर, सेकंड। थर्ड क्या होगा, टर्बो, ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं, जो मैंने एलिमेंट में लिखाया था कंप्रेसर में, ठीक है। जनरली यही तीन इम्पोर्टेंट हैं और यही पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो रोटेटरी कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटरी स्क्रू और तीसरा टर्बो कंप्रेसर, ये तीन हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है ये सब अच्छे से इसमें पढ़ लेंगे, ये तीन बता देंगे। उसके बाद जो भी कंप्रेसर हैं उसके एप्लीकेशन से और यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और कितना क्या प्रेशर होता है, ये मैं एक लिस्ट जो है बना के आपको बता दूंगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, पहले हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, फर्स्ट है हमारा, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये जनरली कुछ है नहीं, जो कंप्रेसर हम डिस्क्राइब कर रहे थे स्टार्टिंग में कि ये पिस्टन वाला था, ठीक है, ये कुछ नहीं होता रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, अभी हमने बताया ना डबल एक्टिंग सिलेंडर के, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, इसमें लीनियर वेरिएशन होता है, ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर ही है, ठीक है। एक हमको बताने की ज़रूरत नहीं, इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर यही है जिसमें पिस्टन लगा होता है, ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी को लीनियर मोशन में करने के लिए, ठीक है, ये मोटर लगा होगा, रॉड लगा होगा, सिलेंडर होगा, ठीक है। डबल लाइटिंग कंप्रेसर सिलेंडर और सिंगल लाइटिंग दोनों तरीके से ये बनता है, इसमें दो टाइप बन जाएंगे, डबल लाइटिंग और सिंगल लाइटिंग, लेकिन लेकिन जनरली ये यही है रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, जो हमने बेसिकली बताया सबसे फर्स्ट वो यही आता है, ठीक है। तो ये पहला वाला तो हमारा हो गया, ठीक है, फर्स्ट आपका ही था। सेकंड हमारा था रोटेटरी स्क्रू टाइप, रोटेटरी स्क्रू कंप्रेसर हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें स्क्रू है तो वही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है स्क्रू की। स्क्रू का प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे कोई स्क्रू है, ठीक है, तो इस पे स्पाइरल टीथ्स बने होते हैं, ठीक है, स्पाइरल टीथ्स बने रहेंगे आपके। तो क्या होता है, जब उसको रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो इंसर्ट करता है किसी भी बॉडी में, इंसर्ट करेगा, इस पे स्पाइरल टीथ्स बने होते हैं,
टीट्स रहेंगे आपके, ठीक, टीट्स होते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो फिर बाहर होता है। तो वही टेक्नोलॉजी स्क्रू की, ठीक है, जिसपे जिसके फिन्स बने होते हैं, ठीक है, स्पाइरल टीट्स बने होते हैं, वही टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है। और इसके बारे में एक और चीज़ बताना है, ठीक है, कि ये जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, ये हम पहले बताए थे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, है हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप रोटेटरी स्क्रू कंप्रेसर, इसमें है, तीन है, फर्स्ट सेकंड है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और रोटेटरी, इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर आता है। पहले मैंने बताया था कि ये क्या होंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर क्या होते हैं, कि इसका जो इनलेट होता है, जो सक्शन वाल्व होता है, सक्शन एरिया होता है, ठीक है, जो सक्शन वॉल्यूम होता है वो अधिक होता है, ठीक, और जो डिस्चार्ज एरिया होता है वो कम होता है, जिसके कारण ये कंटिन्यूटी एयर प्रेशर फ्लो करते हैं, मतलब एयर प्रेशर का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यू होता है, एक ही प्रेशर का एयर फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो रोटेटरी स्क्रू कंप्रेसर होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर होता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कैसे वर्क करता है। देखिए, हमने बना रखा है, ठीक है, तो ये जनरली है क्या, एक दो स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे जो स्पाइरल टीट्स बने होते हैं, पहले देखो ये स्पाइरल टीट्स बने हुए हैं, ये क्या है, स्पाइरल टीट्स, ठीक है, ऐसे ये भी स्पाइरल टीट्स है, एक स्क्रू का दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर ये फिक्स होते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका मूव करता रहेगा एक दूसरे के ऊपर, और फिन्स जो होते हैं उसमें टीट्स जो होते हैं एक दूसरे से फिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें अब एक का कनेक्शन हो गया, ठीक है, एक का मोटर से कनेक्शन होता है, यहाँ एक मोटर फिक्स किया जाता है, ठीक है, इस पर एक मोटर कनेक्ट है, ठीक है, जो मोटर से कनेक्ट होता है, जो टीथ दो स्क्रू, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्राइव मेंबर, ठीक है, और जो इस मोटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, मोटर के द्वारा जो फिन्स घूमेगा, ठीक है, मोटर से कनेक्ट है ये, इसमें कोई मोटर अलग से नहीं लगा हुआ है, ये मोटर से कनेक्ट हुआ है, ये इससे कनेक्ट हुआ है, जो घूम रहा है इससे कनेक्ट हुआ है, इसे बोला ड्रिवन, ड्राइव, डी आर आई वी, स्पेलिंग करता हूँ, ड्राइव, ठीक है, अब ये ड्रिवन, ठीक है, मतलब उसके इसके हेल्प से ये मूव कर रहा है, ड्रिवन मेंबर, ठीक है, ड्रिवन मेंबर, ठीक। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, और ये दोनों कनेक्ट होते हैं किससे, आपके एक टाइमिंग गियर के, टाइमिंग गियर, ठीक है, टाइमिंग गियर से कनेक्ट, टाइमिंग गियर से कनेक्ट करने का, हम इसकी स्पीड जिस हिसाब से रखना चाहें उस हिसाब के इसकी स्पीड हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे वर्क करता है, इसका वर्क देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये मोटर मूव करेगा, स्क्रू वन स्क्रू टू एक दूसरे से फिन्स से ये कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये ड्राइव मेंबर या ये वाला फर्स्ट वाला ये मूव करेगा तो होगा क्या, एयर इधर से इंटर करेगी, ठीक है, ठीक है,
जैसे एयर इंटर करेगी, यहाँ फिल्टर लगा होता है, फिल्टर के बाद एयर इंटर करता है, एयर इंटर करेगी, ठीक। एयर इंटर करने के बाद होता क्या है, एयर इंटर करने के बाद क्या होगा, मूवमेंट होता रहता है, एक फिन्स एक दूसरे से फंसे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एयर इंटर कर गया, एयर उस स्पायरल ट्विस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये मूवमेंट होता रहता है, स्पायरल ट्विस्ट एक दूसरे से मूव किए हुए, एक दूसरे से फिक्स हैं तो मूवमेंट करता रहता है वो, लेकिन जो स्क्रू है वो तो मूव कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन एयर जो जो ट्रैप हुई है एयर, उसके अंदर उसका एरिया कम होता जाता है, जो फिन्स के बीच का जो एरिया है वो कम होता जाएगा, जिसके कारण एयर कंप्रेस होता जाता है, ठीक है। तो एयर कंप्रेस समझ में आ रहा है ना आप लोग, एयर इधर से इंटर किया, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जो स्पाइरल टीथ जो एक दूसरे को फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, वो रोलिंग के कारण, ठीक है, धीरे धीरे एरिया उनके बीच का कम होता जाता है। आप कभी देखेंगे स्क्रू आगे जो सबसे लास्ट वाला एरिया होता अधिक होता है और पीछे एरिया कम होता जाता है, तो इस हिसाब से डिजाइनिंग इसकी की जाती है कि एरिया धीरे धीरे कम होता जाए। तो जो एयर जितना इंटर हुआ, एरिया कम होने के कारण क्या होता है, एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो एयर इधर से आपका एग्जास्ट होगा, ठीक है, निकलेगा, जो डिस्चार्ज होगा उसका प्रेशर अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हाई प्रेशर का एयर मिल जाता है, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें, ठीक, दूसरे तरीके से समझना चाहें तो ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे ये था ना आपका, ठीक है, ये दूसरे व्यू से, ये फ्रंट व्यू साइड, इधर से सामने से हम देख रहे हैं, ठीक है, दो स्क्रू लगा हुआ इधर से, एक इधर वाला स्क्रू ये है, ठीक है, और इधर वाला स्क्रू ये है आपका, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं है लेकिन तब भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है, देखिए फिन्स एक दूसरे से फंसे हुए हैं, ठीक है, जैसे एयर यहाँ पे इंटर करेगा, मान लीजिए इस फिन्स में इंटर करेगा, ठीक है, इस फिन्स में इंटर करेगा, ठीक है, मूव कर रहा है, ये ड्राइव मेंबर है, ड्राइव मेंबर मतलब इसी में मोटर इससे कनेक्ट है, ठीक है, ये ड्राइविंग मेंबर है, स्पेलिंग यार गड़बड़ होती है, ठीक है, ठीक। जैसे एयर इंटर करेगा इसमें, ठीक है, अब ये मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एयर इन फिन्स के बीच में फंस जाएगा, इन फिन्स के बीच में आ जाएगा और धीरे धीरे ये पीछे जाता जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जैसे आपका इधर है ना, इधर से ये इंटर किया, ठीक है, अब धीरे धीरे ये हम साइड व्यू ले रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये पीछे की तरफ जाता रहेगा, ठीक है, पीछे की तरफ जाता रहेगा, एरिया कम होता जाता रहेगा और जो आपको एग्जास्ट एयर मिलेगा, ठीक है, जो डिस्चार्ज एयर मिलेगा उसका प्रेशर अधिक होगा। इस तरीके से हमने दिखाया है, देखिए फिन्स दिखाया गया है इसमें, ठीक है, इधर से एयर इंटर करेगा आपका, ये थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं है, ये फिन्स फंसे हुए हैं, ये दिखाया गया ना, फिन्स फंसे हुए हैं, ये जो स्पाइरल ट्विस्ट हैं एक दूसरे से फिक्स हैं, एयर इधर से इंटर करेगा, ठीक है, और ऐसे, ठीक, जो हाई प्रेशर का एग्जास्ट एयर है, डिस्चार्ज एयर है आपका प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर का एयर आपने इंटर किया और हाई प्रेशर का एयर आपको डिस्चार्ज के रूप में मिल गया। बेसिकली इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, स्क्रू की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ठीक है, तो इसलिए इस रोटेटरी है, तो रोटेटरी स्क्रू कंप्रेसर इसे बोला जाता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर होता है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर होता है, ठीक।